أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور سورہ کریمہ سورۃ الضحیٰ تلاوت کی گئی اور آج اسی سورہ کریمہ کی روشنی میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. چاشت کی قسم. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو. جب سورج کی روشنی اس طرح پھیل جائے کہ چیزیں صاف صاف دکھائی دینے لگیں اور دھوپ میں کچھ تمازت آ جائے تو ایسے وقت کو وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے. اس وقت کی نماز بڑی افضل نماز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري في كتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصوم میں لائے جہاں آپ نے روزوں کا چیپٹر قائم کیا ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. یعنی نبی نے, میرے خلیل نے, جس کی محبت آدمی کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اسے خلیل کہتے ہیں. لفظ خلیلی لا کر کے حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے رسول کی محبت میرے رگ و پے میں سمائی ہوئی, وہ میرا خلیل ہے. اوصانی خلیلی, میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے تین باتوں کی. پہلی بات صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر, ہر مہینے تین روزے, ایام بیس کے 13 14 15, ہر مہینے تین روزے. وَرَكَعْتَيِ الضُّحَى, اور چاشت کی دو رکعتیں, اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ, ان تین باتوں کی وصیت کی. اب ظاہر ہے کہ وصیت کسی بڑی اہم چیز کی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں, یہ تینوں عبادتیں بڑی اہم ہیں. ہر مہینے تین دن کے روزے, چاشت کی دو رکعتیں, اور سونے سے پہلے وتر کا پڑھ لینا. وصیت ہے اور وصیت کسی اہم چیز کی جاتی ہے. تو چاشت کا وقت ایک بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھنا سنت قرار دیا ہے. جی.
हजरत अस्वद इब्ने यजीद एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि मरर तु बिहा, एक बार मैं उम्मुल मोमिनीन, कौन उम्मुल मोमिनीन, बिहा, उनके पास से गुजरा, उनके घर से गुजरा। ये कौन है? अल मुबर्रअतु मिन फौक सबई समावात, सातवें आसमान के ऊपर से, जिनकी बेगुनाही के लिए, जिनकी बेगुनाही के सबूत के लिए आयात नाजिल फरमाई गई, ये वो हस्ती है। अब बिन्तुल अस्सिद्दीक अबी बकर, ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी हैं। वह ज़ौजतु रसूलिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा है जी। कहते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद की बात है। अस्वद इब्ने यजीद कहते हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के पास से गुजरा, मरर तु बिहा, वही तकरउ फी सलाति ज़ुहा فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم, और एक आयत انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم قال فذهبت والله الى السوق وعدت وهي تقرا مكانها في ركعه واحده, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं पास से गुजरा तो वही तकरौ फी सलाति ज़ुहा फमनल्लाहु अलैना ववकाना अज़ाबस समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊ इन्नहु वल बर्रुर रहीम व इन्न लिबुकाइहा नशीजन। ये भी कहा, तर्जुमा क्या है? अस्वद इब्ने यज़ीद कहते हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान से गुजरा तो वो चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, और चाश्त की नमाज में सूरे तूर की ये आयत पढ़ रही थी, फमन्नल्लाहु अलैना ववकाना अज़ाब समूम, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया कि हमें अज़ाब समूम से बचा लिया। समूम कहते हैं लू को, लू जो गर्म हवा चलती है, ये आदमी के बदन में सरायत कर जाती है तो कहते हैं इसे लू लग गई है जी, उसी हवा को समूम कहा जाए, उसी हवा को समूम कहा जाता, और ये जहन्नम की हवा के बारे में कहा जा रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे समूम यानी ये गर्म हवा बदन के अंदर असर करती है, सरायत कर जाती है, ऐसे ही जहन्नम की जो गर्म हवा है वो आदमी के एक एक जुज के अंदर बदन के सरायत कर जाएगी ये गर्मी। फमन्नल्लाहु अलैना ववकाना अज़ाब समूम, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया कि हमें अज़ाब समूम से बचा लिया, और इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल नदऊ, इससे पहले हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो बर है और रहीम है। बर किसे कहते हैं? अस्सादिक फीमा वादा, जो वादा करे और उसको पूरा करे उसको कहते हैं बर। तो अल्लाह ने जितने वादे किए हैं सब वादों को पूरा करने वाला है, वो वादे पूरे किए हैं, और बहुत रहम करने वाला है कि उसने हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया। कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो चाश्त की नमाज पढ़ रही है तो मैं चला गया, फज़हबतु वल्लाहि लस्सूक, मैं बाजार गया, और जब ये आयत पढ़ रही थी तो समितु लिबुकाइहा नशीजन, मैंने उनकी आवाज सुनी तो ये आयात पढ़ते हुए रो रही थी, और उनके इस रोने में बोका के अंदर नशीज था। नशीज का मतलब होता है सौतुल किदरी बेबेदायती गलिया नेहा, जब हाड़ी पकने लगती है, हाड़ी उबलने लगती है, तो हाड़ी के उबलते वक्त जो आवाज आती है बिल्कुल उनके रोने के अंदर यही आवाज थी। समय तो लिबुका यह नशीजन, मैंने
उनकी बुका में, उनके रोने में नशीज पाया, ऐसे जैसे कोई किद्र, कोई हाड़ी खोल रही हो और उसमें कोई चीज पक रही हो। अल्लाह, तो रो रही थी। तो मैं बाजार चला गया, फज़हबत वल्लाहि लस्सूक, बाजार चला गया, वउत्तु, और जब मैं लौटा तो वही तकरऊ मकानहा फिरकातिन वाहिदा, उसी एक रकात में थी और रो रो करके वही दोनों आयतें पढ़ी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर, जुबैर इब्ने अव्वाम के बेटे हैं हजरत उर्वा, वो कहते हैं कि एक दफा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी खिलाफत के जमाने में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को 80,000 दीनार 80,000 दीनार भेजे। अल्लाह, कितनी रकम होती है, अंदाजा लगे, दिरहम नहीं दीनार की बात हो रही है, सोने के जो सिक्के होते हैं। आज को इतनी दीनार की कीमत लगाइए और फिर ये जितना पैसा उन्होंने भेजा है अंदाजा लगाइए कितने रुपए। 80,000 दीनार 80,000 दीनार हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने खिलाफत के जमाने में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने के पास भेजा, पैसा लिया उन्होंने, फवज़ात तमाम के तमाम पैसे बांट दिए उन्होंने, वही सायमतुन, जबकि वो रोजे से थी, एक दीनार भी नहीं रखा। फकालत लहा जारियत, उनकी लौंडी ने उनसे कहा, लम तुबक दनानीर, कई फलम तुबके दनानीर, आपने चंद दनानीर, चंद दीनार बचा क्यों नहीं लिए, ताखुजू बिहा इफ्तारन, कि उससे इफ्तार ले लेती आप, उससे इफ्तार ले लेती। कालत वल्लाह इन्नी नसीत, अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं रहा, अल्लाहु अकबर, मुझे याद नहीं रहा। 80,000 दीनार हाथ में आए और सब अल्लाह की राह में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, बांट दिए, रोजे से थी, एक दीनार नहीं बचाया कि उससे इफ्तार ले लें। फया सुभान अल्लाह, ऐसे लोग भी इस रुए जमीन पर आए थे। हमारी माओ और बहनों को तो शॉपिंग से फुर्सत नहीं है इनकी जिंदगियों में, और अम्मा आयशा की जिंदगी का फर्क देखिए कितना फर्क है। ये पैसे के पीछे भाग रही हैं, हम लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और पैसे इनके पीछे भागते थे और ये पाए हकारत से उस माल को और उस पैसों को ठुकरा देती थी। ये लोग थे, यही लोग हिस्ट्री बनाते हैं, तारीख बनाते हैं ऐसे लोग। जी जी जी, रोजे से और एक पैसा नहीं रखा उन्होंने। ऐसे लोग इस जमीन पर आए हैं, हैरत होती है। फया सुभान अल्लाह, ये हमारी माँ है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला। रोजे में आदमी कितना एहतमाम करता है इफ्तार का, भूखा प्यासा है, ये अच्छी चीज ले आओ, वो अच्छी चीज ले आओ, बस पूरी निगाह खाने के ऊपर होती, पैसों के ऊपर होती। 80,000 दीनार सामने पड़े हुए हैं, लौंडी से कहा कि सारे पैसे बांट दिए जाएं, सारे पैसे बांट दिए। वो कह रही है कुछ तो बचा लेते, इफ्तार ले लेते, वल्लाह इन्नी नसीत, मुझे याद नहीं रहा, यानी दुनिया याद ही नहीं रही उनको ईमान और दीन के पीछे। ऐसे लोग तारीख बनाते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं। ऐसे लोग इस सरजमीन पर आए, भेजने वाला भी कैसा है और लेने वाला भी कैसा है। अमीर माविया उम्मत के मामू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतर, वो भेज रहे हैं, इतनी रकम भेज रहे हैं, 80,000 दीनार, और लेने वाला भी कैसा है, देने वाला देखो 80,000 दीनार भेज रहा है और लेने वाला भी कैसा है, ले तो लिया लेकिन अपने लिए एक दीनार भी नहीं बचाया। अल्लाह, देने वाले भी कैसे थे, लेने वाले भी कैसे। इमाम साहब की जेब में कुछ डाल दिया करो, लिफाफे वगैरह चुपके से।
जी रोकें, रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है, फिर भी उनकी जेब में डाल दिया कीजिए, मौजिन साहब हैं उनकी जेब में डाल दीजिए जी। अब वो कहाँ खर्च करते हैं, हो सकता है कि वो खर्च इस तरह करें जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने खर्च किया था जी, तो कम से कम जेब में डाल दीजिए। तो बेचारे पढ़ाते रहते पूरे महीने, पूरे महीने अजान देते रहते, कोई इनको पूछता भी नहीं है, क्यों इनका हक नहीं है, खाली वाह 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 कारी साहब कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। छोड़िए ये सब मक्कारियाँ, जेब में डाली उनका दीजिए, वो रोकें, रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत, बिल्कुल ज़रूरत है आपको, रखिए इसको जी। भेजने वाला देखो 80,000 दीनार किसको भेज रहा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, लेने वाला भी कैसा है और देने वाला भी कैसा है। इस तरीके के थे हमारे सहाबा, इस तरीके से थे हमारी सहाबियात, इस तरीके से थी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह वज़्ज़ुहा चाश्त की कसम, वल्लैल इज़ा सजा और रात की कसम जब वो छा जाए। सजा कहते हैं सजा, सजउल मरई बिलगताई, यानी आदमी अपने आप को ढक ले तो कहते हैं कि सज व सजा, सजा यानी इज़ा गत्ता भी जमी या जसद ही, जब किसी कपड़े से आदमी अपने पूरे बदन को ढांक ले, छुपा ले, दैट इज कॉल्ड सजा। ऐसे ही रात थे जब वो सारी चीजों को छुपा लेती है, ऐसे ही जैसे लिबास आदमी के बदन को छुपा लेता है। वल्लैल इज़ा सजा, जब तक रात नहीं आती तब तक चीजें दिखती हैं, और जब रात आ जाती है तो रात लिबास की तरह होती है, और लिबास जिस तरह आदमी के बदन को ढांक लेता है, ऐसे रात जब आती है तो वो चीजों को ढांक लेती है। वल्लैल इज़ा सजा, रोशनी जब वो मुकम्मल फैल जाए, और तारीकी रात जब वो चीजों को मुकम्मल अपनी आगोश में ले ले, अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों चीजों की कसम खाई है। असल में इस सूरह करीमा के नुज़ूल का पस मंज़र यह है, बाज़ मुफस्सरीन ने यह कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब थी, इस वजह से आप 2-3 रात तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके। एक सबब नुज़ूल यह बताया जाता है, एक सबब नुज़ूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन वही नहीं उतरी तो आप परेशान हो गए। एक औरत आकर के बोलने लगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है, कई दिन हो गए तूने कोई शैतानी बात बताई नहीं, क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। अल्लाह, अब देखिए उसने क्या कहा, क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है, और वही कुछ अरसा के लिए रुक गई थी, या आपकी 2-3 रात की तहज्जुद की नमाजें छूट गई थी, उस पर अल्लाह तबारक व तआला चाश्त की और रात की कसम खा रहा है। चाश्त की कसम और रात की कसम जब वो मुकम्मल छा जाए और चीजों को अपनी आगोश में ले ले, किस तरफ इशारा है, इशारा इस तरफ है कि जैसे रात को फाड़ कर अल्लाह तबारक व ताला चाश्त को निकालता है, दिन को निकालता है। देखो तो जो चीज निकली है वो पहले से बेहतर है कि नहीं, भाई रात है पहले चीज दिखाई नहीं दे रही है जी, अब रात को फाड़ कर अल्लाह तबारक व ताला नूर जोहा चाश्त के नूर को निकाल रहा है, तो पहली वाली चीज बेहतर है कि बाद वाली, बाद वाली चीज बेहतर है, इसलिए कि पहली चीज तो रात है जिसने चीजों को छुपा रखा है, और जो निकली है वो रोशनी है, जो निकला है वो नूर है, तो नूर बेहतर है या जुल्मत। अल्लाह तबारक व ताला ये कहना चाहता है कि ये दुनिया का नेचर है, ये तबीयत दुनिया, ये दुनिया का नेचर है क्या के अर्राह व ताब, कभी आसानी है और कभी परेशानी है, अताउन व मनउन, कभी लेन है कभी देन है, कभी अता है कभी मना है, और कभी आसानी है और कभी परेशानी है, कभी इत्मीनान है कभी कलक है जी, ये दुनिया का
नेचर है, परेशानी रहती आसानी आती है, कलक रहता इत्मीनान आता है, थकन रहती है राहत आती है, यह दुनिया का नेचर है। अतः मना राहत ताप इत्मीनान कलक खुशी गम, ये सारी चीजें ये दुनिया का नेचर है, आती रहती है। तो फलल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, बाद में आने वाली चीज पहली चीज से बेहतर है। फलल आखिरत खैरुल लक मिनल उला, बाद में आने वाली चीज पहली चीज से बेहतर है। ऐसे ही आखिरत दुनिया से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि दुनिया फानी है और आखिरत बाकी है। इस वजह से जो चीज आ रही है वो बाकी है और जो चीज जा रही है वो फानी है। लिहाजा जो चीज जा रही है उस पर आप गम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आने वाली चीज आपके लिए बेहतर है जी। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। तो वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम खा करके अल्लाह ने फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, यह औरत बोल रही है कि क्या तेरे शैतान ने मोहम्मद तुझे छोड़ दिया है? आप कह दीजिए मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है और न तुझसे बुग्ज किया है। देखो यहां दो लफ्ज हैं, मा वद्दअका, तौदी कहते हैं तहियतु मन युरीदु सफर, उस आदमी का सलाम जो सफर पर जा रहा है। भाई आप किसी सफर पर जा रहे हैं, उसके बाद आपकी अहलियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपको रुखसत कर रहे हैं, तो रुखसत के वक्त जो आप सलाम कर रहे हैं इस सलाम को कहते तौदीर। और फिर यह इस्तियारा किया गया आयत के अंदर के अल इन्फिसाल बादल इत्तेसाल, यानी इत्तेसाल के बाद इन्फिसाल। तो तौदीर मा वद्दा का, अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे छोड़ा नहीं, वमा कला, और तुझसे दुश्मनी नहीं रखी। कैला कहते हैं, अल कैला क्यों? अल बुग्ज़ुश शदीद, इसका अपोजिट क्या होता है? अल हुब्बुश शदीद। तो ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, और ऐ मेरे हबीब मैंने तुझसे बुग्ज नहीं रखा है, मैं तुझसे शदीद मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि अलकेला का अपोजिट, अलकेला कहते अलबुग्जुश शदीद को, और उसका आयन अपोजिट अलहुब्बुश शदीद, मेरे हबीब मैंने तुझे छोड़ा नहीं है जी, और इसी तरह मैंने तेरे लिए बुग्ज नहीं रखा है, बल्कि तुझसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें अपने नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है और ये बताया है कि मैंने तुझको छोड़ा नहीं और ना दुश्मनी कोई की है तुझसे, बल्कि तुझसे बड़ी शदीद मोहब्बत की है। तो मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, और ये जो वही रुक गई है तो इस पर आप गम मत कीजिए, कलक मत कीजिए, अच्छी चीज इसके बाद आने वाली है, इसलिए कि बाद में आने वाली चीज पहले से बेहतर है और आखिरत दुनिया से बेहतर है। और फिर आपको तसल्ली देते हुए कहा गया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा, गौर फरमाए कि अनकरीब अल्लाह तबारक व ताला आपको अता करेगा जी, और आपको राजी कर देगा, आप राजी हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है, क्या अता करेगा? अता है मुतलक, क्या अता करेगा? मफूल महजूफ है, क्या अता करेगा कुछ बताया नहीं गया, अता है मुतलक, और आप राजी कैसे होंगे ये भी मुतलक है। यानी अताए मुतलक यतबाहु रिजा मुतलक, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने अताए मुतलक के बाद रिजाए मुतलक के क्या देंगे हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। कितना देंगे हम, आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। क्या देंगे, कितना देंगे, ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते। तो अताए मुतलक, और हम आपको राजी कैसे करेंगे आप नहीं जानते, और कितना राजी करेंगे ये भी आप नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अताए मुतलक यतबाहु रिजा मुतलक। अल्लाह, बात जाहिलिये कहते हैं कि जब तक अपने एक एक उम्मती को नबी बख्शवा नहीं लेंगे तब तक राजी नहीं होंगे। गलत है ये, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से राजी ही नहीं होंगे जिससे अल्लाह राजी ना हो। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला मुशरिक से राजी नहीं है, शिर्क करने वाले से राजी नहीं है, बिदात करने वाले से राजी नहीं है, तो अल्लाह जिससे राजी ना हो रसूल उससे कैसे राजी हो सकता है?
तो अल्लाह मुशरिक से राजी नहीं, अल्लाह बिदाती से राजी नहीं, तो मेरा नबी कैसे मुशरिक से राजी हो सकता है और मेरा नबी बिदाती से कैसे राजी हो सकता है? तो यह कहना जाहिलों का कि नबी एक एक उम्मती को जब तक जहन्नम से निकाल नहीं लेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे, तब तक राजी नहीं होंगे, गलत है ये। जी जी, इसलिए कि अल्लाह जिस चीज से राजी होगा और जिन लोगों से राजी होगा, नबी उन्हीं से राजी होंगे। लिहाजा इस भरम में मत रहिए जी कि आप शिर्क जिंदगी भर करते रहें, बिदातें करते रहें और नबी आपको बचा लेंगे, इसलिए कि नबी उन्हीं चीजों से राजी होगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, और इन दोनों चीजों से अल्लाह राजी रहे, यानी शिर्क से नबी दास से। जी वले सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, ये खुशखबरियां देने के बाद कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। अताए मुतलक, रजाए मुतलक, हमने आपको छोड़ा नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम आपसे बोझ नहीं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद ये तसल्लियां दी गई, जो गम हुआ था वही के रुक जाने पर या नमाजें छूट जाने पर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको तसल्ली देने के बाद फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया कि आप यतीम थे और अल्लाह ने आपको पनाह दी। यहां यतीम का तस्करा क्यों किया गया? इसलिए कि यतीम जो होता है ये मुआशरे का सबसे कमजोर तबका होता है। फला नासिर लहु गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदाइशी यतीम है, आपने तो बाप को देखा ही नहीं। और उसके बाद मां का साया था, वो भी थोड़े अरसे के बाद मां का साया भी उठ गया। जानते हैं कहां? मदीना गई हुई थी अपने शौहर की याद में और वहां से आ रही थी वो। जी जी, वहां से आ रही थी, मक्का आ रही थी। मक्का में अबुआ एक जगह है, वहीं पर तबीयत एकदम खराब हो गई आपकी वालदा आमिना के, उनके साथ गालिबन आपकी लौंडी उम्मे ऐमन है, उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन हजरत आमिना का वहीं पर इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा, छोटे से हैं, बाप तो पहले इस दुनिया से जा चुका है, छोटे से हैं और न मदीना में न मक्का में, एक जगह मक्का में अबुआ में है और अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा है, तो एक यतीम जो है उससे ज्यादा एक यतीम का दर्द कौन समझ सकता है? यतीम का दर्द एक दुर्रे यतीम ही समझ सकता, पैदाइश यतीम है, बाप का साया पैदा होने से पहले ही उठ गया था, थोड़े अरसे के बाद मां भी इस दुनिया से चली गई और मां को, बाप को तो आपने देखा नहीं, मां को अपने सामने मरते हुए देखा है। तो एक यतीम जो मुआशरे का सबसे कमजोर तबका होता है, एक यतीम का दर्द एक यतीम ही समझ सकता है, यतीम क्या होता है। इसी वजह से नबी से कहा गया, मेरे हबीब आप यतीम थे तो हमने आपको पनाह नहीं दी। जी, बाप नहीं था, मां थी जिसने अपनी मोहब्बतों और शफकतों के दरिया आपके ऊपर बहाए और जब वो चली गई तो दादा का साया हमने आपको अता किया, पनाह नहीं दी, दादा ने बड़ी मोहब्बत से आपको पाला। जी, और जब दादा भी इस दुनिया से चला गया तो आपके चचा हैं अबू तालिब हैं, इनकी रियायत और इनकी हिफाजत और इनकी निगरानी में आपको दे दिया गया, हमने कहां आपको छोड़ा है, कहां छोड़ा है, हर जगह हमने आपका हाथ पकड़ रखा है, हमने आपको कहां छोड़ा। बाप का साया उठा तो मां की मोहब्बत दे दी, मां का साया उठा तो दादा की मोहब्बत दे दी और दादा का साया उठ गया तो चचा की मोहब्बत दे दी। मेरे हबीब, मैंने आपको कहां छोड़ा है? लोग कहते हैं कि तुझे छोड़ दिया गया, हमने आपको कहां छोड़ा है, किसी मकाम पर हमने आपको छोड़ा,
ये अल्लाह की मोहब्बत है उसके नबी के तई। जब अल्लाह अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है तो हमें अपने नबी से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता, या रसूल अल्लाह कहने से कुछ नहीं होता। नारे लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह, इन नारों में कोई दम नहीं, कोई दम। मेरे हबीब, मैंने तुझसे बड़ी मोहब्बत की, मैंने तुझको कहां छोड़ा है? कहीं नहीं छोड़ा। अलम यजिद के यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया कि आपको पनाह दी? पनाह दिया, आपको यतीमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आप यतीम हैं। तो कमजोर तबका मुआशरे का, यतीम तबका होता है, सबसे पहले यतीम का तस्करा किया गया, जो मुआशरे का सबसे, सोसाइटी का सबसे कमजोर तबका होता है। कि एक यतीम ही एक यतीम के दर्द को समझ सकता है। आपने फरमाया भी, हदीस हदीस इस तरह, वा नबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار بالسبابه والوسطى وفرق بينهما قليلا رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا उसकी किफालत करने वाला जी जन्नत में इस तरह होंगे, आपने अपनी सब्बाबा और उस्ता को, उंगलियों के नाम होते हैं हमारे बच्चों को, वो लेडी फिंगर और क्या क्या, वो लेडी फिंगर, वो भिंडी याद रहती है लेडी फिंगर, लेकिन पूछो कि अरबी में इनके नाम क्या है पता नहीं, खिंसर बिंसर उस्ता सब्बाबा इबाम जी। तो ये दोनों उस्ता है और ये सब्बाबा है, इन दोनों को आपने मिलाकर बताया कि मैं और यतीम के सर पर हाथ फेरने वाला, यतीम की किफालत करने वाला, दोनों जन्नत में इतने करीब होंगे। आपने अपनी सब्बाबा और उस्ता को मिलाया, वफर्रक बैनहुमा कलीलन, और उसमें थोड़ा सा गैप रखा, वफर्रक बैनहुमा कलीलन, थोड़ा सा गैप रखा, यानी इतने करीब होगा, इतने करीब हम दोनों होंगे अल्लाह। तो यतीम की किफालत की जाए। अलम यजिद का यतीमन फआवा وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, क्या उसने आपको रुश्दो हिदायत से नावाकिफ पाया? आप हिदायत की तलाश में थे, आपको हिदायत उस वक्त नहीं मिली थी, इसलिए कि कुरान उतरने के बाद आपको हिदायत मिली। कैसे? अल्लाह ने फरमाया, मा कुंत तदरी मल किताब वकज़ालिका ओहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान, हमने आपकी तरफ रूह वही की, यानी कुरान, कुरान रूह है, हमने रूह वही की। मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान, इससे पहले आपको मालूम नहीं था कि ईमान क्या होता है और किताब क्या होती है, इससे पता चला कि कुरान के जरिए आपको हिदायत मिली, आप हिदायत की तलाश में थे। ववजदका वल्लन फहदा, हिदायत दिया, ये हमारा सबसे बड़ा एहसान जी। एक तो यतीम थे, आपको पनाह दी, और दूसरे आपको हक मालूम नहीं था, हिदायत मालूम नहीं थी, हमने आपको हिदायत दी। वजदका आइलन फागना, और यही नहीं, हमने यतीम पाया आपको, आपको पनाह दी, और आपके जरिए दुनिया के तमाम यतीमों को पनाह दी जी जी, और आपको हिदायत दी, और आपके जरिए दुनिया के तमाम इंसानों को हिदायत दी जी। अल्लाह ने आपको हिदायत दी, हम जो यहां बैठे हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की वजह से हम लोगों को हिदायत मिली है, हमने आपको हिदायत दी और आपकी वजह से दुनिया को हिदायत मिली जी। यह है हमारे नबी का मकाम, यह है सीरत नबी की, फहदा, और उसके बाद वो वजदा का आइलन, हमने आपको मोहताज पाया, आपको हमने गनी कर दिया जी। मोहताज को गनी करना कैसे? मां का घर छूटा दादा के घर, दादा का घर छूटा चचा के घर, और अब गरीब है, फकीर है, पैसे नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की सबसे मालदार औरत से शादी करा दिया जी, बैत खदीजा, हजरत खदीजतुल कुबरा का घर है, यहां आप गनी हो गए, आइल थे, मोहताज थे, हमने आपको गनी कर दिया आपकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए। और ये ऐसी हैं अल्लाह,
उम्र में बहुत बड़ी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी, लेकिन इतनी मोहब्बत है नबी से। गारे हिरा में पहुंच जाती थी तोशा उशा लेकर के जी, और शेबे अभी तालीम में, अब शहजादी हैं, बहुत बड़े घर की हैं, बहुत पैसे वाली हैं, लेकिन नबी के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। कहां लग रहा है दीन के लिए, ले जाइए, कहां लग रहा है ले जाइए, दीन के लिए अपना सारा माल हजरत खदीजतुल कुबरा ने वक्फ कर दिया जी, गनी कर दिया हमने आपको हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए। और गैना का एक और मतलब होता है कि अल्लाह किसी को कनात दे दे, कनात जी। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-अस रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى رواه مسلم في كتاب الزكاه। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहु अल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब ज़कात के अंदर लाए, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-अस हैं। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो आदमी कामयाब हो गया जिसको तीन चीजें मिल गईं। قد افلح, वो कामयाब हो गया जिसको तीन चीजें मिल गईं। असलम, हिदायत मिल गई उसको जी, इस्लाम मिल गया। वह रुजी का कफाफन, कफाफ में बेकदर हाजा, गुजारे भर की रोटी मिल गई उसको, गुजारे भर की रोटी मिल गई उसको। और तीसरे, वह कन्नाहुल्लाह बिमा आता, अल्लाह ने जितना दिया है उस पर उसको मुतमईन कर दिया। यहां तो करोड़ों मिल जाते हैं, दस दुकान हो गई तो पचास दुकान के चक्कर में रहता है, यह इंसान है, ये इंसान। तो गना क्या है, दर हकीकत दिल का गना है कि कनात एनात कर दी जाए। तो आपको हमने कनात अता किया, और या बैत खदीजा में आपको, आप फकीर थे मोहताज थे, आपको गनी कर दिया, या आपको कनात अता कर दी, कनात मिलकर के, कनात की दौलत मिल गई तो गनी हो गए आप। वजदकाइलन फागना, तो अब तीन चीजें आपको दी गई, अब तीन नेमतें दी गई, तो आप तीन काम कीजिए जी, तीन नेमतें दी गई तो आप तीन काम कीजिए। क्या, फअम्मल यतीम फला तकहर, आप यतीम थे ना, आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है, लिहाजा आप यतीम का माल मत खाइए, यतीम को सताइए नहीं। कहारा का मतलब होता है कहारतिन नारु अल्लहमा, गोश्त को आग में जब डाल दो तो पहले उसका जो पानी होता है वो निकल जाता है, इसी उसको कहर बोलते, यानी आग में डाल दो उसका पानी निकल जाए, असालत मा अहु, गोश्त के पानी को निकाल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कहर। तो इस तरीके से किसी यतीम के ऊपर मत मुसल्लत हो जाइए कि आप उसका माल खा लीजिए, इस तरह जैसे कि गोश्त को आग में डाल दिया जाए उसका पानी सूख ले, पानी सूख जाए, निकल जाए। फला तकहर, आप यतीम का माल मत खाइए और यतीम की खबरगिरी कीजिए। वह अमसाइल फला तनहर, दूसरे नंबर पर मोहताज है। अच्छा, मोहताज दो किस्म के होते हैं, एक मांगता है, असाइल अल्लवी यसअलुका बिकफ्फिही, जो अपना हाथ फैला करके मांगता है, अरे भाई दे दो जी। तो फला तनहर, डांटो नहीं इनको जी। नहरा का मतलब होता है साला बेकुवतिन, तेजी से बहना धीरे, इसी वजह से नहर होती है ना, नहर तेजी से पानी बहता है, यहां नहर इस्तेमाल किया गया, यानी साहब ही चिल्लाना, ए इलाही कान्नी, चल फूट यहां से, ऐसा साहब ही, जैसे साला बेकुवतिन, ए साहब ही चीखना, हे इधर कहां से आ गया तू, चल इलाही कान्नी, दूर हो मुझसे, इतनी दन्नी, दूर हो इसे, ऐसा डांटना नहीं है साहिल को। साहिल दो तरीके का, एक जो यस अलू का बेकफी, अपना हाथ फैला कर मांगता, और एक होता है अल महरूम वफी अमवाले, हक़ुल लिसाइल वल महरूम, महरूम क्या होता है, अल मुताफिफ अल्लज़ी ला यसअल, जो मांगता नहीं है। तो भाई इमामों की खबरगिरी कीजिए, मौज़िन की जेब में भी कुछ डाल दीजिए, इसलिए कि अगर ये मांगते नहीं है, मुताफिफ है, तो इसका यह मतलब इनकी जेब में कुछ ना डाला जाए, लिफाफे बनाओ और फटाफट डालो इनकी जेबों में, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जी, जेब में डालो जरा, लाओ लिफाफे डालो, ये कहेंगे क्या जरूरत है इसकी, बिल्कुल नहीं जरूरत है आपको, रखिए इसको। तो फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मस्साइल फला तनहर, आप यतीम को सताइए नहीं और किसी साइल को डांटिए नहीं। वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की तरफ से जो आपको नेमतें मिली हैं उस नेमत को बयान कीजिए। नेमत को बयान करने का मतलब नेमत का शुक्रिया अदा करना। देखो तीन तरीके से होता है, तीन तरीके से, लिसान, कल्ब और आज़ा व जवारे। कैसे, कल्ब से कैसे होता है, आदमी ये यकीन रखे कि जो नेमत मिली है वो तफज़्ज़ुल मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। आपको नेमत मिली है, दौलत मिली है,
तो इसे आप ये मत कहिए कि मेरे इल्म की वजह से मिली है, मेरी मेहनत की वजह से। ये तो कारून ने कहा था, उती तो मैंने इल्म नहीं दी, मेरे पास जो इल्म है इस इल्म की वजह से मुझे ये दौलत मिली। ला खतान नहीं। तो आदमी दिल में ये एतकाद रखे कि इन हादा तफज्जुल मिन अल्लाह, ये जो नेमत मिली है ये नेमत अल्लाह का फजल है। ये तो दिल का शुक्रिया हुआ कि मेरे रब जो कुछ तूने में अता किया है, थोड़ा बहुत जो कुछ दिया है, ये तेरा फजल करम है। तो ये हुआ दिल का शुक्रिया। और आज़ा व जवारह का शुक्रिया क्या है? आज़ा व जवारह का कि आदमी के बदन पर नेमत का असर दिखे। अल्लाह ने करोड़ों दे रखा है लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है कि जी चाहता है उसके हाथ पे आठ आना रख दो, एक रुपया ले बाबा ले ले ले, अरे मैं बहुत बड़ा आदमी। अरे बड़ा आदमी है तो यज़हरु अलैक आसारु आसारु नेमा, तेरे बदन के ऊपर नेमत का असर होना चाहिए। करोड़ों पति और फटे कपड़े पहनकर घूम रहे कि कोई मांग लेना भी, कोई मांग ना ले तो इनके हाथ पे एक रुपया रख दो जी। तो यज़हरु अलैक आसारु नेम, नेमतों के आसार आपके बदन पर जाहिर होना चाहिए। यह है आज़ा व जवारे का शुक्र। और लिसान का कोई कहे कैसा चल रहा है, अना ज़ईफ, तंगी तुरशी से गुजर रहा है, बहुत परेशान है हम जी, ऐसा नहीं बोलना। कैसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अना बखैर, अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, वा इंदी खैरुन कसीर, अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे। यह है ज़बान का शुक्रिया दे। तो वा अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, नेमत का शुक्रिया ज़बान से, नेमत का शुक्रिया दिल से, नेमत का शुक्रिया आज़ा व जवारे से, वा अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह अकबर। इस सूरह करीमा से हम सरसरी तौर पर गुजरे हैं, गहराई इतनी है कि अगर हम बयान करेंगे तो शायद आपके सर से जाएगी जी जी। लिहाजा जो इसमें पैगाम, जो मैसेजेस थे, हमने उसी हद तक इस सूरह करीमा की तफसीर का मामला सामने रखा है। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।